सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। चुनावी नतीजों के ठीक बाद के इस बजट से हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खास तौर पर मिडिल क्लास टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख तक की सालाना कमाई करने वाले नौकरी पेशा को टैक्स फ्री कर दिया था, लेकिन स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ऐसे में दोबारा मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अंतरिम बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने आगे टैक्स स्लैब में बदलाव के संकेत दिए थे। पीयूष गोयल ने 5 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करते हुए कहा था कि ये ट्रेलर है, जब पूर्ण बजट जुलाई में पेश होगा तो उसमें मिडिल क्लास का ख्याल रखा जाएगा। जानकारों की माने तो 5 जुलाई को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ इनकम टैक्स निवेश छूट सीमा को भी बढ़ा सकती हैं। अभी निवेश पर 1.5 लाख रुपए की छूट है। अगर ये बदलाव होते हैं तो देश के करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। अंतरिम बजट से पहले सभी सिर्फ 2.5 लाख तक की सालाना कमाई वाले लोग टैक्स स्लैब से बाहर थे। वहीं 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले लोग 5% के टैक्स स्लैब में आते थे।